और आप क्या पढ़ चुके हैं? आप पढ़ चुके हैं ऑक्सो प्रोसेस, और क्या पढ़ा आपने? पॉलीमराइजेशन, होमोजेनियस कैटालिस्ट कैसे एक्ट करते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन हम देख रहे हैं वो है वेकर्स प्रोसेस। वेकर्स प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर आप देखेंगे कि एक या तो टर्मिनल कार्बन या फिर 1,2-डाई-सब्स्टिट्यूटेड ओलिफिन, या तो टर्मिनल ओलिफिन या फिर 1,2-डाई-सब्स्टिट्यूटेड ओलिफिन, या तो कीटोन में कन्वर्ट होती है या एल्डिहाइड में कन्वर्ट होती है। यहां पर वेकर्स प्रोसेस में ये जो कन्वर्जन है ये कीटोन में या एल्डिहाइड में किसी में भी हो सकता है इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटालिस्ट। तो पैलेडियम कैटालिस्ट यहां पर यूज होगा लेकिन वो होमोजीनियस होगा। तो इससे पहले आपने देखा कि ओलिफिन को किस में कन्वर्ट किया था? एल्डिहाइड में, इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल एंड हाइड्रोजन। उसकी प्रेजेंस में हमने जो एक ओलिफिन था उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया था इन प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट और रोडियम, होमोजीनियस कैटालिस्ट। यहां पर आप देखेंगे कि जो कन्वर्जन है ओलिफिन का कन्वर्जन है इट मे बी टर्मिनल और इट मे बी 1,2-डाई-सब्स्टिट्यूटेड। तो यहां पर एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी बनेगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटालिस्ट। यहाँ पर पैलेडियम जो है वो कैटालिस्ट की तरह एक्ट करेगा, पैलेडियम एज अ होमोजेनियस कैटालिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है 1,2-डाई-सब्स्टिट्यूटेड और टर्मिनल एल्कीन का कीटोन में या फिर एल्डिहाइड में इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिटिक पैलेडियम सेकेंड एंड वॉटर, इसको हम वेकर्स प्रोसेस कहते हैं। वेकर्स ऑक्सीडेशन भी इसको हम कहते हैं। तो ये जो वेकर्स प्रोसेस है इसमें बहुत पहले करीब समझ लीजिए 1900 में इथाइलिन से एल्डिहाइड बनाया गया इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ PDCl2। तो ये पहले, बहुत पहले 1900 में ही बनाया गया था जहां पर इथाइलिन से एल्डिहाइड बनाया गया था PDCl2 की प्रेजेंस में। लेकिन लगभग 50 साल के बाद 1959 में एक डिफरेंट कैटालिटिक मेथड मिला, सोचा गया, जिसमें कि ये आप देखेंगे कि कॉपर क्लोराइड को एड किया गया। ठीक है, वेकर केमी में जो काम करने वाले कुछ रिसर्चर्स थे उन्होंने इसको, जो कॉपर क्लोराइड है उसको भी यूज किया और तब ऑक्सीडेशन किया। वेकर प्रोसेस कहलाती है ये। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो कॉपर क्लोराइड है पैलेडियम क्लोराइड के साथ साथ इसको भी यूज किया गया और यही प्रोसेस अब यूज होती है। क्योंकि यहां पर क्या दिक्कत थी कि जो जब केवल पैलेडियम क्लोराइड का यूज कर रहे थे तो यहां पर पैलेडियम बनता था और वो जो पैलेडियम है वो इंसोल्युबल होता था, तो इसलिए वो जो रिएक्शन है उसमें से पैलेडियम को हटाना थोड़ा मुश्किल था। इसलिए उसको उसमें इम्प्रूवमेंट किया गया, डेवलपमेंट किया गया और कॉपर क्लोराइड और मिलाया गया, जिससे कि अभी आप देखेंगे कि प्रोसेस जो है वो डिफरेंट हो गई। ओके, और यहां पर जो प्रोसेस है वहां पर एक DMF डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड को कोसॉल्वेंट की तरह यूज किया गया और ये जो डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड था ये ऑर्गेनिक रिएक्टेंट्स को एक्वस फेज के साथ मिक्स करने के लिए यूज किया गया और इस तरीके की प्रोसेस को ये सूजी वेकर ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी कहते हैं। और इस ऑक्सीडेशन में वॉटर जो है वो ऑक्सीजन डोनर का काम करता है और पैलेडियम सेकेंड जो है वो ऑक्सीडेंट का काम करेगा। ठीक है, तो जो ये जो रिएक्शन है बहुत पहले केवल पैलेडियम क्लोराइड का यूज किया जाता था लेकिन अब जो इसमें यूज किया जाता है वो पैलेडियम क्लोराइड के साथ साथ कॉपर क्लोराइड का भी यूज किया जाता है, जिससे कि जो पैलेडियम है वो प्रेसिपिटेट ना हो। ठीक है, और साथ में को सॉल्वेंट यूज किया जाएगा जो कि ऑर्गेनिक फेज को इनऑर्गेनिक फेज में मिक्स करेगा और यहां पर वाटर ऑक्सीजन डोनर का काम करेगा और पैलेडियम जो है वो ऑक्सीडेंट का काम करता है। ठीक है, तो अगर यहां पर आप देखेंगे कि अगर ऑक्सीजन जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करे, ये ऑक्सीजन, तो ये एक क्या कहलाता है, ये प्रोसेस ऑक्सीपेलाडेशन कहलाती है, जहां पर ऑक्सीजन डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं हम। ठीक है, ऑक्सीपेलाडेशन रिएक्शन है। वेकर्स प्रोसेस क्या है? वेकर्स प्रोसेस में एक ओलिफिन है, इस ओलिफिन को इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम क्लोराइड एंड कॉपर क्लोराइड, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर DMF एंड O2, ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है? एक एल्डिहाइड या कीटोन में, डिपेंड करेगा ये जो R ग्रुप है ये अगर H है
तो एल्डिहाइड बनेगा, अगर ये एक ग्रुप है एल्काइल ग्रुप, तो फिर ये कीटोन बनेगा, ठीक है। और आप देखेंगे एक्वस मीडियम में जो PDCl2 है, जनरली इट एग्जिस्ट एज PDCl4 2 नेगेटिव। कैसे ये एग्जिस्ट करता है, कैसे ये मैकेनिज्म होती है, वो हम देखेंगे। जनरली मैकेनिज्म अगर आप देखेंगे तो इसमें कुछ मेन स्टेप्स हैं, जहां पर आप देखेंगे कि जो पहला स्टेप है वो है कोऑर्डिनेशन ऑफ एल्कीन टू द पैलेडियम सेंटर। तो ये यहां पर हम साइकिल देखेंगे। सबसे पहले आप यहां पर देखिए कि ये पैलेडियम क्लोराइड हमने लिया, ये पैलेडियम क्लोराइड हमने लिया, इस पैलेडियम क्लोराइड, ये पहला कंपाउंड हमने सबसे पहले लिया है जो कि एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट करेगा। ये मैंने आपसे कहा कि जब एक्वस सॉल्यूशन होता है तो एक्वस सॉल्यूशन में ये PDCl4 2 नेगेटिव की तरह होता है, 2 Cl लेके एसिडिक मीडियम में ये PDCl4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और जब ये जो PDCl4 है इसमें ऑलिफिन कोऑर्डिनेट कर रही है, तो पहला स्टेप मैंने आपको बताया कि जो जो एल्कीन है वो कहाँ, जो पैलेडियम सेंटर पर जुड़ के पाई कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रही है, जो कि ये थर्ड कॉम्प्लेक्स है। आप देख सकते हैं कि यहां से एक Cl- रिमूव हुआ है और ये जो एल्कीन है ये ऐड हुआ है, तो ये एल्कीन क्या हुआ, कोऑर्डिनेटेड हो गया। और उसके बाद ये जो वाटर है, वाटर के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है, तो ये वाटर क्या करेगा, ये वाटर के साथ जब ये ऐड होगा वाटर, तो वाटर क्या करेगा, एक क्लोराइड को रिमूव कर देगा और यहां पर खुद कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये कोऑर्डिनेशन इसका है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ये इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं हाइड्रोक्सी पैलाडेशन। हाइड्रोक्सी पैलाडेशन से या तो हमें न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मिलता है या हमें ज्यूटरायनिक कॉम्प्लेक्स मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जो कॉम्प्लेक्स मिला है, आप देखिए ये 2 Cl, 3 Cl, 3 Cl में से 1 Cl को किसने रिप्लेस किया, H2O ने, तो ये ज्यूटरायन बन गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो दोनों चार्ज एक साथ है। जो फोर्थ नंबर का कंपाउंड है ज्यूटरायनिक कंपाउंड है, और ये फर्दर आप देख रहे हैं जब इसमें H2O फर्दर रिएक्ट करेगा, तो ये H2O क्या करेगा कि यहां पर इस जगह पर ये डबल बॉन्ड पर क्या करेगा, बाइंड करेगा और एक H+ को रिमूव कर देगा और यहाँ OH की फॉर्म में ये ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर OH की फॉर्म में ये ऐड हो गया डबल बॉन्ड में। तो ये इसके बाद आप देखेंगे इसमें से एक क्लोराइड निकलेगी, क्लोराइड का रिमूवल है, और क्लोराइड के रिमूवल होने से आप देखेंगे कि यहाँ पर एक जो कॉम्प्लेक्स बना है ये एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बन गया है, ठीक है। ये क्लोराइड का रिमूवल हुआ है और यहां से जो ये H2O था, यहां से एक H+ रिमूव हुआ पहले क्लोराइड के साथ, और वो H+ फिर यहां पर जाके बाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहां पर ये जो जो हाइड्रोजन है वो यहां पर है, तो ये एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बना। तो ये पूरी जो प्रोसेस है आप देख रहे हैं हाइड्रोक्सी पैलाडेशन है। हाइड्रोक्सी जो जो वाटर मॉलिक्यूल वो ऐड हो रहा है, वो जब इस कोऑर्डिनेटेड में ऐड हो रहा है, तो ये H2O यहाँ पर जोड़ रहा है, और उसके बाद ये एक न्यूट्रल स्पीसीज बन रही है जो कि 6 नंबर की स्पीसीज है, जो कि एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हाइड्रोक्सी पैलाडेशन है वो 6 नंबर की जो स्पीसीज है वो जो सॉरी ये दिस इज द फोर्थ नंबर स्पीसीज एंड दिस इज द सिक्स्थ स्पीसीज जो कि एक न्यूट्रल स्पीसीज बनी। तो ये एक न्यूट्रल स्पीसीज में कन्वर्ट कर रहा है। ये जो एच यहां से आप देख रहे हैं, ये एच यहां पर यहां से नहीं, सॉरी कोई रिमूव नहीं हुआ है क्योंकि यहां पर तो एच पहले से ही यहां पर एच है, यहां से एक एच रिमूव हुआ है और ये HCl बन गया है, ठीक है, HCl रिमूव हो गया यहां से, ओके। अब इसके बाद क्या होगा कि यहां पर इस कॉम्प्लेक्स के बाद क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा। तो हाइड्राइड शिफ्ट कैसे होगा कि ये जो हाइड्राइड था यहां पर, जो हाइड्रोजन जुड़ा था यहां पर, जो हाइड्रोजन थी यहां पर, ये हाइड्रोजन ये हाइड्राइड शिफ्ट होगा, और शिफ्ट होने के बाद फिर ये पैलेडियम से जुड़ जाएगा। तो देखिए ये पैलेडियम से जुड़ गया और फिर से ये जो था ये डबल बॉन्ड फिर से कोऑर्डिनेट हो गया, देखिए डबल बॉन्ड की फॉर्म में, ठीक है। और जब ये कोऑर्डिनेट हो गया उसके बाद आप देखेंगे कि यहां से होगा रिडक्टिव एलिमिनेशन, और रिडक्टिव एलिमिनेशन के बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ये बनेगा, ये बने, ये हट जाएगा, ठीक है, और ये हट जाएगा और हमें पैलेडियम जीरो मिल जाएगा, पैलेडियम जीरो मिल गया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये रिएक्शन हो रही है। अगर हम देखेंगे इस रिएक्शन को, तो एक बार हम करने की कोशिश करते हैं इसको कि ये रिएक्शन कैसे हो रही है, तब आपके थोड़ा सा क्लियर होगी। आपने देखा कि ये जो PDCl4 जो था, ठीक है, PDCl4 में हमारे पास PDCl2 था, ठीक है, PDCl2 था
ये जो PDCl2 था, इसमें जो सॉल्यूशन है उसके थ्रू क्या आया, सीएल माइनस। जब ये सीएल माइनस आ गया तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, PDCl4 2 नेगेटिव में। ये PDCl4 2 नेगेटिव बन गया, ठीक है। अब ये जो PDCl4 2 नेगेटिव है, इस PDCl4 2 नेगेटिव में क्या जुड़ेगा, इसमें ओलिफिन जुड़ेगी। ये ओलिफिन आर ग्रुप है मान लीजिए, तो ये ओलिफिन कोऑर्डिनेट होगी, और ये ओलिफिन कोऑर्डिनेट होके पीडी, ठीक है, और यहां से एक सीएल रिमूव हो जाएगा, सीएल नेगेटिव, तो ये क्या बन जाएगा, पीडीसीएल पीडीसीएल सीएल, एंड ये आप देखेंगे यहां पर ये ओलिफिन जुड़ गई, कोऑर्डिनेशन ऑफ ओलिफिन, ठीक है। तो इसके ऊपर अब एक नेगेटिव चार्ज होगा, ओके। तो यहां पर इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये साइकिल चलेगी। अब जब ये इस पर ये जो स्पीसीज बनी, यहां पर जो पहला स्टेप हो रहा है, ये हो रहा है कोऑर्डिनेशन का। ये कौन सा स्टेप हो रहा है, कोऑर्डिनेशन का स्टेप, ठीक है, कोऑर्डिनेशन हुआ। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो रहा था, हाइड्रोक्सी पैलाडेशन होगा, और यहां पर वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा और एक सीएल जो है वो रिमूव हो जाएगी। तो मैंने आपसे कहा कि हाइड्रोपैलाडेशन के समय में जो स्पीसीज बनेगी वो या तो ज्यूटराइन होगी, और यहां पर आप देखेंगे H2O जुड़ गया, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, एक सीएल ये जुड़ा हुआ है, एक सीएल ये जुड़ा हुआ है, और एक ये जो ओलिफिन है ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये आ गया इस तरीके से, ये बन गया। इसके बाद आपने देखा कि ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में फिर से वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुआ, एक हाइड्रोक्सी पैलाडेशन चल रहा है, तो यहां पर फिर से एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुआ, और जब वाटर मॉलिक्यूल यहां पर ऐड हुआ तो इस वाटर मॉलिक्यूल का जो ये जो एक OH था वो यहां पर जुड़ जाएगा, और सीएल माइनस HCl की फॉर्म में ये निकल जाएगा, एक HCl क्या होगा, निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या स्पीसीज हमारे पास बचेगी, हमारे पास जो स्पीसीज बचेगी तो वो है पैलेडियम, एक तो क्लोराइड है, एक इसके साथ क्या जुड़ गया है, H2O, और एक इसके साथ जुड़ा हुआ है जो ये है, यहां पर आपने देखा ये जो है, यहां पर क्या हो गया कि ये इस तरीके से जुड़ा, और ये R और ये OH यहां पर जुड़ गया, ठीक है। यहां से OH यहां जुड़ा, और यहां पर एक H और प्रेजेंट है, आपको पता है यहां पर एक H और प्रेजेंट है। तो ये हाइड्रोक्सी पैलाडेशन के बाद देखिए, एक ये न्यूट्रल बना और एक ये ज्यूटराइन बना था, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। अब जब ये कॉम्प्लेक्स बनना बन जाएगा तो इसके बाद क्या होगी, हाइड्राइड शिफ्ट होगी। इसके बाद हाइड्राइड शिफ्ट अगर होगी तो ये जो हाइड्राइड है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस पैलेडियम में शिफ्ट हो जाता है, और जब ये शिफ्ट हो जाता है तो ये क्या बना देता है, PDCl, ओके। ये फिर से आप देखेंगे इस तरीके का हो जाएगा, R और यहां पर OH जुड़ा हुआ है, ठीक है, और यहां पर जुड़ गया है H, और यहां पर तो पहले से ही क्या जुड़ा था, वाटर मॉलिक्यूल। ये देखिए हाइड्राइड शिफ्ट, यहां पर जो प्रोसेस हुई हुई हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है, ये हाइड्राइड शिफ्ट हुई, ये यहां पर वाटर मॉलिक्यूल जुड़े और यहां पर कोऑर्डिनेशन हुआ, हाइड्राइड शिफ्ट हो गई। अब जब हाइड्राइड शिफ्ट हो गई तो उसके बाद क्या प्रोसेस होगी, उसके बाद जो प्रोसेस होगी वो होगी, आपने देखा कि ये इसमें रिडक्टिव एलिमिनेशन, और रिडक्टिव एलिमिनेशन जब होगा तो एक एच निकलेगा, एच सीएल, एक तो एच सीएल बन गया, ठीक है, एक निकल गया H2O, सब निकल जाएगा इसमें से, और एक निकल जाएगा ये ग्रुप, ठीक है, आर, ये सी है, ये OH है, OH, और ये बन गया, ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट बना, आर ओ एच यहां पर H है, ठीक है, सी, इस तरीके का प्रोडक्ट, सॉरी ये क्या बना, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहां से ये प्रोडक्ट निकलेगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्चुअली ये जो कन्वर्ट होगा ये हो जाएगा PD0 में, PD0 में कन्वर्ट होगा, जो कि पहले की रिएक्शन मैंने आपसे कहा वहां पर भी ये होता था कि ये PD0 में कन्वर्ट हो जाता था। तो यहां पर तक आपने देखा कि ये जो प्रोडक्ट है ये बन गया है, RCOM ही बना है ये, ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट है ये एलिमिनेट हुआ, और ये सब, तो यहां पर क्या बन गया, PD0, PD0 मिला। अब ये PD0 क्या करेगा, ये PD0 क्या करेगा, ये
आप देखेंगे कि ये जो CuCl2, पहले हमने जब CuCl2 नहीं लेते थे, लेकिन अब क्या करने लगे, CuCl2 लेने लगे, तो अब क्या होगा कि ये जो CuCl2 है, ये CuCl2 Pd0 के साथ रिएक्ट करेगा और इसको CuCl में कन्वर्ट कर देगा, और ये जो Pd0 है ये PdCl2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो CuCl है ये CuCl ऑक्सीजन से और HCl से रिएक्ट करके H2O बना देगा और फिर से CuCl2 बना देगा। तो इस तरीके से ये क्या होगी, रिसाइकलिंग हो रही है। तो आप देखेंगे कि रिसाइकलिंग कैसे हो रही है, यहां पर हमें प्रोडक्ट मिल गया है RCOMe, ठीक है, एक प्रोडक्ट हमें ये मिल गया यहां से। अब ये जो पीडी था, Pd0, ये पीडी जो है वो PdCl2 में कन्वर्ट होगा। कैसे कन्वर्ट होगा, ये कैसे कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा कि ये जो है, जो PdCl2 है इससे कौन रिएक्ट करेगा, ठीक है, ये किससे रिएक्ट करेगा, CuCl2 से, CuCl2 से रिएक्ट करेगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, PdCl2 में, PdCl2 में कन्वर्ट होगा, और साथ में जो CuCl2 है CuCl में कन्वर्ट हो जाएगा। ये CuCl क्या करेगा, ये CuCl जो है वो किससे रिएक्ट करेगा, ये रिएक्ट करेगा किससे, ये रिएक्ट करेगा HCl से और O2 से, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में। तो आप देखेंगे पूरी साइकिलिंग चल रही है। ये जो CuCl2, इसका काम क्या है, पीडी को प्रेसिपिटेट होने से बचाना। तो ये जो पीडी है ये CuCl2 से रिएक्ट करके PdCl2 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये साइकिल चलती रहेगी। और साथ में आप देखेंगे कि ये जो CuCl है ये खुद CuCl में बदलेगा और CuCl फिर से CuCl2 में बदल जाएगा। तो एक साइक्लिक प्रोसेस चलती रहेगी, और आप देख सकते हैं कि ये जो साइक्लिक प्रोसेस है इसके थ्रू आपने देखा कि एक जो ओलिफिन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, कीटोन में। और अगर यहां पर हम एक ऐसा ओलिफिन लेते जहां पर आर ग्रुप एच होता तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता। तो एल्डिहाइड क्या होता है, यहाँ पर RCOH, ठीक है। तो ये दोनों तरीके के कंपाउंड फॉर्म हो सकते हैं, ऑक्सोपैलाडेशन है, और आप देख रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटालिस्ट ये जो प्रोडक्ट है उसका फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, वेकर्स प्रोसेस, जहां पर मेन जो स्टेप्स हैं वो क्या हैं, वो स्टेप्स हैं कोऑर्डिनेशन ऑफ ओलिफिन, हाइड्रोक्सी पैलेडेशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल का एक्शन, पहला ओलिफिन का एक्शन, पहला किसका है, ओलिफिन का कोऑर्डिनेशन है, दूसरा किसका एक्शन है, H2O का एक्शन है, H2O के एक्शन के बाद क्या है, हाइड्राइड शिफ्ट है, हाइड्राइड शिफ्ट किसमें, डायरेक्ट पैलेडियम में, पैलेडियम में जो है वो हाइड्राइड का जुड़ना है, ठीक है। और जब ये हो जाएगा तो फिर फाइनली प्रोडक्ट कैसे बनेगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन से। तो मेन चार प्रोसेस आप कह सकते हैं, कोऑर्डिनेशन ऑफ ओलिफिन, हाइड्रोक्सी पैलेडेशन, हाइड्राइड शिफ्ट एंड रिडक्टिव एलिमिनेशन, जिसके थ्रू हमें फाइनली प्रोडक्ट मिलता है थ्रू वेकर्स प्रोसेस और वेकर्स ऑक्सीडेशन, ओके। और हम इसको फाइनली थ्री स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा फर्दर एक जो पूरी साइकिल है, जो पूरी साइकिल कौन सी है, ये पूरी साइकिल है, ये साइकिल है पूरी, ये पूरी साइकिल है, एक स्टेप मान लेते हैं। तो ये पूरी साइकिल एक स्टेप है, ये वन स्टेप, ठीक है। तो ये पूरी साइकिल देखिए वन स्टेप है, जहां पर आप देख रहे हैं एक ओलिफिन, एक PdCl2, CU, यहाँ पर CuCl2 भी ऐड करेंगे, O2 भी ऐड करेंगे, इसकी प्रेजेंस में ये किस में बदल रही है, कीटोन या एल्डिहाइड में। साथ में क्या बन रहा है, प्लेडियम 0 बन रहा है। ये जो प्लेडियम 0 है, ये प्लेडियम 0 किससे रिएक्ट कर रहा है, CuCl2 से, CuCl2 से रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट कर रहा है, इसको CuCl में। ये जो CuCl है क्या कर रहा है, O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, और HCl के साथ किस में कन्वर्ट हो रहा है, CuCl2 में, फिर से CaCl2 इससे रिएक्ट करेगा। तो इस तरीके से साइकिल चलती रहेगी। तो आप देखेंगे मेन थ्री स्टेप्स में हमने इसको डिवाइड किया है, पहला तो पूरा साइकिल है जो आपने साइक्लिक प्रोसेस देखी, दूसरा आपने देखा है जो प्लेडियम 0 बना यहां से, ये प्लेडियम 0 भी रिसाइकिल होना है, ये देखिए रिसाइकिल हो रहा है, और तीसरा स्टेप क्या है कि ये जो CuCl बन रहा है इसको भी रिसाइकिल होना है, तो ये भी रिसाइकिल हो रहा है, रिसाइकिल होने के बाद फिर से CuCl2 दे रहा है। तो ये मेन थ्री स्टेप्स हैं जिनके थ्रू आप देख रहे हैं ओवरऑल पूरी वेकर्स प्रोसेस आप इससे बता सकते हैं। और आप देखेंगे इस वेकर प्रोसेस में क्या होगा कि केवल दो चीजें कंज्यूम हो रही होंगी, ओलिफिन एंड ऑक्सीजन, बाकी चीजें कंज्यूम नहीं होंगी, क्योंकि बाकी चीजें सारी क्या है, इंटरमीडिएट है। आप देखिए ये जो क्लोराइड है ये भी बीच बीच में यूज हो रहा था, लेकिन ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन एंड ओलिफिन, ये दो चीजें ऐसी हैं जो कि
क्या हो रही है, यूज हो रही है, जिनसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। बाकी पैलेडियम जीरो भी रिसाइकिल हो रहा है, CuCl2 भी रिसाइकिल हो रहा है, Cl- भी यूज हो रहा है, बन भी रहा है। देखिए बन भी रहा है और यूज भी हो रहा है, तो जो चीज बन भी रही है यूज भी हो रही है तो वो तो यूज हो रही है साइकिल में। लेकिन असली जो यूज हो रहा है वो तो खैर यूज नहीं हो रहा है एक्चुअल में, क्योंकि बन भी रहा है और बिगड़ भी रहा है। अगर हम इसको देखेंगे, दो स्पीसीज जो कि यूज हो रही है केवल, उनसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ऑलिफिन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ऑलिफिन का इन दी एल्डिहाइड और कीटोन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट एंड CuCl2 एंड वाटर एक्ट्स एज अ डोनर स्पीसीज। यहाँ पर वाटर जो है वो ऑक्सीजन डोनर के काम करती है। डायरेक्ट ऑक्सीजन आपने नहीं देखी होगी इस प्रोसेस में, लेकिन यहाँ पर जो जो वाटर मॉलिक्यूल है वो डोनर का काम कर रहा है। तो ये क्या है, वेकर्स प्रोसेस है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेकर्स प्रोसेस, जिसके थ्रू आपने देखा एक ऑलिफिन कैसे ऑक्सीडाइज होती है पैलेडियम कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। ओके, सो इज दिस क्लियर? यस मैम, ठीक है, यस मैम, तो ये एक वेकर्स प्रोसेस है। इतनी अच्छी जो जो कैटालिटिक की प्रोसेसेस हैं, जनरली साइक्लिक प्रोसेस हैं, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको आएंगी, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी आएगी, और बहुत कठिन नहीं है। मैंने आपसे कहा पहले भी कि जो होमोजीनियस कैटालिटिक प्रोसेसेस हैं वो जनरली साइक्लिक हैं, तो साइक्लिक में कुछ ही स्टेप्स होते हैं। अगर माइग्रेटरी इंसर्शन हो रहा होगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन नहीं है तो एलिमिनेशन होगा फाइनली प्रोडक्ट बनाने के लिए। अगर ऑक्सीडेटिव एडिशन हो रहा है तो फाइनली प्रोडक्ट बनाने के लिए रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा। तो ये सिंपल स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं, और प्रैक्टिस करेंगे तो